नमस्ते एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की बेहद बेहद शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सब ने जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी, और ये रही मेरी पूरी फैमिली। शी इज माई जिठानी, एंड इसे तो आप जानते ही हो, युवेन। ये है इसकी बड़ी सिस्टर कशिश, ये है इसकी छोटी सिस्टर आरना, और मैं इसकी मॉम। तो अब देखते हैं, हमने जन्माष्टमी की पूरी तैयारी कर ली। आप सब देख सकते हैं, ये है कृष्णा जी के कपड़े वस्त्र, और ये उनकी ज्वेलरी, एंड ये फ्रूट माला, और कृष्णा जी तैयार हो गए स्नान के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कृष्ण जी को पानी से स्नान कराएंगे। तो धीरे 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 ये पानी कृष्ण जी के ऊपर से जा रहा है। हाँ, आप भी नहलाना बेबी, आप भी बड़ी मम्मा के साथ नहलाना। मेरे हाथ थोड़े से दर्द हो रहे हैं, तो मैं ये चार्ज दे रही हूँ कशु को, तो कशु आगे का देखेगी। कशु ले बेटा, कशु आपको क्लोजअप में दिखाएगी सारी चीजें, तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से ना दिखा पाऊं, तो इसलिए आप कशिश दिखाएगी आपको आगे का सारा प्रोग्राम, कैसे हम कृष्ण जी को नहला रहे हैं, कैसे हम उन्हें नए वस्त्र पहना रहे हैं, कैसे हम उन्हें ज्वेलरी पहना रहे हैं। तो ये सब चीज आपको मेरी बेटी दिखाएगी। अभी हमने कृष्ण जी को दूध से नहलाया है। आरना, आप भी नहलाओ, आ जाओ। युवेन क्या डाल रहे हो बाप? दही। वेरी गुड, कृष्ण जी दही से नहा रहे हैं। फिर एक बार आरना दीदी डालेगी, ओके युवेन? नेक्स्ट टाइम आरना दीदी, फिर अब दीदी शहद डालेगी ना, तो दीदी शहद से नहलाएगी फिर। चलो अब आरना दीदी को नहलाने, तो आप पीछे आ जाओ युवेन, पीछे आओ। अब कृष्ण जी को हम शहद से नहला रहे हैं। अब आप सभी देखेंगे कि बाल गोपाल जी नहाने के बाद कितने सुंदर लगेंगे, और जब इनको हम वस्त्र पहनाएंगे और नई नई ज्वेलरी पहनाएंगे, तो उनका एक अलग सा ही रूप हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी। कर सकते हो आप, कर सकते हो आप, दीदी सब कर सकते हो। नहलाओ आरना, नहलाओ आप भी, कर सकते हो आप लोग। अब आप पानी डालना, जब बड़ी मम्मा बोलेगी ना। ये लो, गंगा जल है उससे डालो पानी, उसमें डाल रखा है गंगा जल दीदी। अब हमने लास्ट में कृष्ण जी को वापस से पानी से स्नान करवाया है। तो क्या ये सभी मेरे ख्याल से आप लोगों के घर में भी बहुत अच्छे से आप लोग भी इसी तरह से कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते होंगे, और इसी तरीके से आप उन्हें तैयार करते होंगे, जैसे कि हम मिलजुल के करते हैं हर साल की तरह। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, और हम सभी वेट कर रहे हैं कि नहाने के बाद, नए वस्त्र पहनने के बाद कैसे कृष्ण जी का रूप निखर के आएगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार और फिर देखिए। एंड इस वीडियो में अभी आप देखेंगे कि ये इसके बाद हम कुछ भोग की तैयारी करेंगे, उसका भी कुछ क्लिपिंग आपको दिखाएंगे। साथ में बच्चों ने एक परफॉर्मेंस तैयार कर रखी है कृष्ण और राधा के ऊपर, वो चीज भी अभी आपको दिखाएंगे। तो बहुत सारे फन एंड मस्ती हम लोग करने वाले हैं कृष्ण जी के जन्मदिन में, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कमेंट करके और इसे शेयर करें, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब ये हम कृष्ण जी को वस्त्र पहना रहे हैं। अब हमने कृष्ण जी को ऑलमोस्ट कपड़े पहना ही दिए हैं।
यहाँ पे अर्णा मम्मी की हेल्प कर रही है सारी चीजें निकालने में, कृष्ण जी की ज्वेलरी निकालने में। देखिए कृष्ण जी कपड़े पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हमने कृष्ण जी को माला पहना दी है। चूड़ी की बारी। अब कृष्ण जी को कड़ा पहना रहे हैं और यहाँ पे युवेन भी बड़ी मम्मा की हेल्प कर रहा है, बड़ी मम्मा को सामान दे रहा है। युवेन कृष्ण जी कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। आपने भी हेल्प की बड़ी मम्मा की? वाह। अरे हमने कृष्ण जी को बांसुरी भी पकड़ा दी है। अब हम बाल गोपाल को कान के पहना रहे हैं, इयररिंग्स पहना रहे हैं और मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ बाल गोपाल का रूप कितना निखर के आया है, कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? उनको सुबह हमने पूछा था ना, तो सुबह उन्होंने बोला कि मेरे को तो यही वाले क्लोथ्स पहनने हैं सुबह सुबह, रात को दूसरे वाले। कृष्ण जी ने क्लोथ्स डिसाइड किए थे, आप भी डिसाइड करते हो ना, तो कृष्ण जी ने बोला मुझे ब्लू क्लोथ्स पहनने हैं। आओ बेबी झूले में बैठा है। हाँ आ जाओ। युवेन बाल गोपाल को झूले में बिठाएगा। ओके ये मैं बता देती हूँ, वेट वेट वेट। बाल गोपाल जी को हमने झूले में बिठा दिया है और आप देखिए कि कितने सुंदर लग रहे हैं बाल गोपाल जी पूरे तैयार होने के बाद और झूले में बैठने के बाद। कर सकते हो आप, पहले दीदी को पूरा तैयार करने दो ना। अब आगे का जो डेकोरेशन है वो कशी करने वाली है, देखते हैं वो कितना सुंदर डेकोरेशन करती है। मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ कि बाल गोपाल जी का कैसा स्वरूप निखर के आया है। और अभी बहुत सारी तैयारियां करना बाकी रह गई है, अभी हम भोग का प्रसाद बनाएंगे, उसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी तैयारी चल रही है किचन में। उसके अलावा शाम को बच्चे परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो वो भी मैं इसमें जरूर डालूंगी कि किस तरह से बच्चों ने तैयारी करी है कृष्ण जी के जन्मदिन की। तो बस थोड़ा सा और रह गया है यहाँ पे, तो आप सब देखिए जुड़े रहिए। अभी कशु कृष्ण जी का झूला तैयार कर दिया ताकि जो भी आए दर्शन के लिए तो वो कृष्ण जी को बहुत आराम से झूला सके। ओके पहले फूल भगवान जी छोटे हैं अभी, स्लोली ठीक है। बस अब हम इधर आओ, भोग लगाएंगे भगवान जी को, पकड़ो। बाल
बाल गोपाल यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अपने झूले पे भी विराजमान हो चुके हैं। बाल गोपाल को भोग भी लग चुका है और अब बाल गोपाल झूले में बैठ कर आराम करेंगे थोड़ा, और फिर अब हम शाम को भोग लगाएंगे कृष्ण जी को और फिर आगे की पूजा करेंगे। झूला कौन झुलाएगा कान्हा जी को? ओके आ जाओ। वाओ आपको अच्छा लग रहा है कृष्ण जी को झूला झुला के? अब आरना दीदी झुलाएगी। आरना दीदी आ जाओ। आरना दीदी कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाई है। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है प्रसाद के लिए, भगवान जी को भोग लगाने के लिए। ये गूंदा है हमने पूरी का आटा, और ये बन रही है लड्डू गोपाल जी के लिए खीर। आप देखिए कितनी बढ़िया खीर बन रही है। और इसके बाद अभी मेन्यू में है छोले प्लस आपका पनीर एंड पनीर परांठा एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी टू। तो मैं जैसे ही भोग सारा रेडी होगा तो उसके भी धीरे धीरे आपको दिखाती रहूंगी। अब यहाँ पे एक सरप्राइज परफॉर्मेंस तैयार हुई है जो आरना और यूवी ने सबके लिए की है राधा कृष्ण बनके। तो चलिए ये इसे देखते हैं। ये राधा अभी मक्खन निकाल रही है और यहाँ पे कान्हा जी छुप के मक्खन चुराने का मौका ढूंढ रहे हैं। अरे मक्खन निकल चुका है। मक्खन तो बन गया, कहीं कान्हा तो नहीं देख रहा। चलो दरवाजा बंद कर देते हैं। चलो हम यात्रा करके अपना मक्खन चुराने के चाहते हैं। अब कान्हा चोरी चोरी चुपके चुपके मक्खन चुराने जा रहे हैं। तो हमारे लिटिल कृष्णा यहाँ थोड़े से गुस्सा हैं, नाराज हैं। राधा को मार रहे थे। क्या हुआ ये वेन? अभी भी गुस्से में है बहुत, लेकिन कुछ नहीं होता, कृष्ण जी बहुत जल्दी मिलेंगे भोग लगाते हुए दूसरे कृष्णा जी को। चलो झूला झुलाएं आप और भोग भी लगाते हैं। ठीक है ठीक है। तो परफॉर्मेंस है रेडी, लेकिन जो हमारे कृष्णा जी हैं वो थोड़े से नाराज हैं, तो शायद ही वो बीच में परफॉर्मेंस में आ पाएंगे। तो तब तक हम राधा जी का परफॉर्मेंस देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो भगवान जी का भोग हो गया है रेडी।
तो हमने कृष्ण गोपाला जी के लिए अभी आप टेस्ट नहीं कर सकते युवेन, पहले भगवान जी को भोग लगेगा फिर हम सबको मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखो युवेन क्या क्या बनाया भगवान जी के लिए, हमने बनाई है पनीर की सब्जी, खीर, छोले, पूरी, बर्गर नहीं है ये, दिस इज कुलचा, ओके ठीक है, एंड पनीर परांठा विद गुलाब जामुन। तो ये हमने भगवान जी के भोग की तैयारी की है और अब हम भोग लगाएंगे बाल गोपाल जी को। यहाँ पे अभी हमने दिया किया, अब हम गोपाल जी को टीका लगा रहे हैं। खाना खाते हैं युवेन खाना भगवान जी? मैंने बात खाती नहीं पाते भगवान जी खाना। अच्छा जी, ठीक है। तो सबसे पहले युवेन हम क्या खिलाने वाले हैं लड्डू गोपाल को, बताओ क्या खिला रहे हैं? क्या है वो, क्या है बताओ? हम भगवान जी को खीर। ये देखिए आप लड्डू गोपाल जी का स्वरूप कितना खिल के आया और कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल। और परिवार के साथ इस त्योहार को मनाना एक अलग ही फील होता है। तो हम सब ने काफी इंजॉय किया आज के दिन और अब ये हम बाल गोपाल जी को पनीर परांठा खिला रहे हैं। युवेन वो खा रहे हैं भगवान जी, टेस्ट करते हैं भगवान जी, फिर भगवान जी हमारे लिए छोड़ देते हैं ना भोग के लिए, फिर हम कैसे खाएंगे? तो भगवान जी कहते हैं कि चलो अब मैं अपने भक्तों के लिए छोड़ देता हूँ सारा खाना। खा रहे हैं वो, आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आया लड्डू गोपाल जी के लिए गुलाब जामुन। ये हमने भगवान जी को भोग लगा दिया है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हैप्पी जन्माष्टमी।